वाराणसी के शहरी क्षेत्रों में चल रही वातानुकूलित विद्युत चालित बसों के यात्रियों को डिजिटल इंडिया के तहत अब सारी सुविधाएं एक ऐप के माध्यम से घर बैठे ही मिलेंगी। इन सुविधाओं में बसों की स्थिति अर्थात बसें किस लोकेशन पर हैं और किस रूट पर कितनी बसें चल रही हैं तथा बसों में कितनी सीट खाली हैं या भरी हुई हैं या किस समय पर कहां पहुंचेंगी, अब घर बैठे ही सारी सूचनाएं मिलेंगी। उन बसों का टिकट और मासिक टिकट तथा टिकटों का पेमेंट QR कोड के जरिए भुगतान तथा एक ऐप चलो ऐप के माध्यम से अब घर बैठे ही सारी सूचनाएं मिल सकेंगी। ये सभी चीजें ऐप के माध्यम से मिला करेंगी तथा जन सुविधा केंद्र के जरिए मासिक टिकट की भी बुकिंग आमजनों को मिल जाया करेगी। वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के MD गौरव वर्मा ने बताया कि सभी सुविधाएं डिजिटल इंडिया की तर्ज पर आमजनों को चलो ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। SBIN MD VCTSL मैंने यहाँ पे देखा कि लोगों को, पैसेंजर्स को इलेक्ट्रिक बस की सुविधाएं किस टाइम पे कौन सी बस पहुंचेगी, किस रूट पे कितनी बसेस होनी चाहिए, इसकी विशेषता समस्याएं देखी गई। इसको देखते हुए मैंने एक चलो ऐप यहाँ पे ऑपरेशनलाइज है जो कि इस पर काम कर रहा है। इसके साथ साथ हम लोग नया GPS बेस्ड ऐप लाने जा रहे हैं जो कि हमको रियल टाइम बेसिस पे कितनी बस कितनी दूरी में कितने समय में आपके पास पहुंचने वाली है, कि उस बस में उस ट्रैफिक में कितने सवारी हैं, आपको किस अन्य रूटों पे सुविधा मिल पाएगी कितने समय, इसको इनिशियल फेज पे हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं और उसको तत्काल हम लोग वाराणसी के पैसेंजर्स के लिए उनकी अतिरिक्त सुविधा के लिए हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। जी बिल्कुल, डिजिटल इंडिया का ही स्वरूप है जिसको देखते हुए हम लोग यहाँ पर डिजिटली सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे हम लोग ई टिकटिंग भी लाने जा रहे हैं यहाँ पे, कि आपकी जो MSTs हैं उसको भी हम लोगों ने जन सुविधा केंद्र से जोड़ दिया है कि आपको MST बनवानी हो तो आप हर जन सुविधा केंद्र से MST उपलब्ध करा सकते हैं।